नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। पूरी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, देश और दुनिया की तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रभारी मंत्रियों को सौंपे अटल जी के अस्थि कलश। 16 मंडलों में विसर्जित की जाएंगी अस्थियां। उन्नाव में छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने की आत्महत्या। मनचलों से परेशान होकर छात्रा ने एक महीने स्कूल जाना किया बंद। पीड़ित परिजनों ने दो युवकों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। बरेली में कांवड़ यात्रा को रोकने को लेकर बड़ा विवाद। 725 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। मामले में दो पक्षों के लोग आए आमने सामने। नोएडा में छात्र की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। छात्र ने छात्र को दी धमकी। पुलिस ने की वीडियो की पुष्टि। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बिजनौर में नदी में बहा हरिद्वार से आ रहा टैंकर। हादसे में 3 लोग बहे। कोटा वाली नदी में हुआ हादसा। नदी में टैंकर के साथ 3 लोग भी बहे। और इलाहाबाद में मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत होने की खबर। मलबे में दबे मासूम भाई बहन की हुई मौत। बारिश के दौरान गिरा जर्जर मकान। 2 बच्चों के साथ किराए पर रहते थे पति पत्नी।